आगरा के अस्पतालों और एसएन मेडिकल कॉलेज में वायरल के काफ़ी मरीज पहुंच रहे हैं। कुछ को बुखार के साथ खांसी और जुकाम की समस्या है तो कुछ के पेट में दर्द और उन्हें उल्टियां भी हो रही हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि पेट में दर्द और उल्टियां होने पर मरीजों को तत्काल चिकित्सकों से परामर्श लेना चाहिए। आगरा के अस्पतालों और एसएन मेडिकल कॉलेज में वायरल के काफी मरीज पहुंच रहे हैं। कुछ को बुखार के साथ खांसी व जुकाम की समस्या है तो कुछ के पेट में दर्द और उन्हें उल्टियां भी हो रही हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि पेट में दर्द और उल्टियां होने पर मरीजों को तत्काल डॉक्टरों से परामर्श लेना चाहिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अभी एकदम जैसे सर्दी का एकदम बहुत अच्छा प्रकोप था और उसके बाद में ये जिस तरीके से बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं लोगों का एक ध्यान उधर जाता है कि उनको हाथ तापने हैं और धुआं है, अंगीठी जलानी है और वो सब जो एक शहरी क्षेत्रों में तो उतना नहीं है बट जो ग्रामीण क्षेत्र हैं तो उसमें अक्सर ये होता है। और जो ऐसा देखा जाता है कि जितने भी बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग हैं, जो स्मोकर पुराने रहे हैं, जिनकी उम्र 70-75-80 साल है, जो कि खांसते रहते हैं, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को एक ये जो वेदर है ये नुकसान करने का डर रहता है। तो सबसे पहले तो सलाह ये है कि बीड़ी सिगरेट का सेवन वो ना करें और बीड़ी सिगरेट छोड़ दें। एसएन मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में मरीज खांसी व जुकाम की समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। सर्वाधिक भीड़ मेडिसिन विभाग की ओपीडी में रही। यहां 300 से अधिक मरीजों ने परामर्श प्राप्त किया। सर्दियों में क्या होता है, अक्सर जो कॉमन फ्लू जो इन्फेक्शन है, खांसी जुकाम सिंपल हुआ, खांसी जुकाम से सांस फूलने लगी, तो वो जो सांस फूलने वाला जो सिलसिला है तो उससे जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है उससे सांस फूलने वाले अटैक को बहुत बचाता है। तो वो वैक्सीन की कोशिश करें, साल में एक बार लगवा लें, स्पेशली वो लोग जिनको कई सारी तकलीफें हैं, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको किडनी प्रॉब्लम है, तो और जिनको पहले से डायबिटीज़ है, तो ऐसे लोग वो वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। पेट दर्द और उल्टी की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। पेट दर्द और उल्टियां वायरल के साथ अन्य लक्षण भी हैं। ठंड बढ़ने पर वायरल के मरीज कम हो जाएंगे। इसी की वजह से आजकल फीवर आ रहा है, वो एक दो दिन में जैसे फीवर और कोल्ड समाप्त हो जाए वो चीज़ें नहीं है, ये लंबा खींच रहा है। तो इसका दूसरा कारण ये भी कि पॉल्यूशन बहुत है, तो हम लोगों को जब भी अगर इस तरह का इन्फेक्शन होता है, नाक से पानी आ रहा है, जुकाम हो रहा है या बुखार हो रहा है, हाथ पैर में दर्द है, पूरा बदन टूट रहा है, तो इसको थोड़ा सा एक आध दिन तो आप देख सकते हैं पैरासीटामोल से, लेकिन आप ज़रूरत पड़ती हो तो 3 दिन अपने डॉक्टर को, अपने फैमिली डॉक्टर को या अपने रेस्पिरेटरी वाले डॉक्टर को जरूर दिखाएं और पूरा परामर्श लें। प्रदूषण और बढ़ते धूल कण सांस रोगियों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। एसएन के मेडिसिन विभाग में सांस व अस्थमा रोगियों ने परामर्श प्राप्त किया। क्षय व वक्ष रोग विभाग में मरीजों ने दिखाया, इसमें 100 से अधिक सांस व अस्थमा के रोगी रहे। डॉक्टरों की सलाह है कि मरीजों को धूल से बचना चाहिए, ठंड से भी बचाव जरूरी है, पुराने रोगी अपनी दवाएं नियमित रूप से लेते रहें। सी न्यूज़ के लिए लक्ष्मी राज सिंह की रिपोर्ट।